ढंग से आती नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। फॉर्म चपले और ये कितने सुंदर लग रही हैं, आपको भी मैंने डॉल बनाई है। क्या ना, चुपचाप से ना कैमरा सेट कर रही हूँ। और चोर 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 पकड़ लिया। एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक विद आवर न्यू व्लॉग। हम छत पे आ चुके हैं और अब हम यहाँ पर मूंगफली छील रहे हैं। टेरिस पर बैठे हुए हैं, हवा भी चल रही है बट धूप भी बहुत सुहानी निकली हुई है, तो सोचा धूप में बैठते हैं, अपना संडे एंजॉय करते हैं, नाश्ता वगैरह करके हम लोग ऊपर आ गए हैं। और अब हम लोग चल रहा है मूंगफली छीलने का अभियान। मूंगफली खा रहे हैं, मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए दोनों की दोनों लगी हुई है। हेलो गर्ल्स, हेलो गाइस। यहाँ पे ना मैंने अपनी ब्लैंकेट वगैरह और बेडशीट वगैरह ना सब सुखा दिया है अच्छे से, ताकि ये सूख रहे हैं। टॉवल भी सुखा दिया है, सूख जाएंगे और हम लोग धूप भी ले लेते हैं जब तक धूप है, उसके बाद फिर नीचे जाएंगे। तो अभी इंजॉय करते हैं हम अपनी मूंगफलियाँ और मूंगफली खाते हैं। हाँ, कूड़ा इसमें डालना। और गाइज मैं पॉपकॉर्न भी खा रही हूँ, आप भी आ जाइए पॉपकॉर्न खाइए। तो गाइज यहाँ पे मैंने पूरा ये सेट कर दिया है। ये देखो ड्रेसिंग टेबल, यहाँ पे मैंने सारी दवाइयाँ हमारी सारी दवाइयाँ रख दी है। सारी दवाइयाँ, मम्मा का एयरपॉड, लिप बाम, नेल पेंट, सारा कुछ यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। और जो हमारे लिक्विड नाक में डालने वाली दवाई होती हैं वो मैंने सारी यहाँ पे रख दी हैं। और ये पीछे ग्लासेस है, मैं यहाँ पे मेरा क्यूब है और ये पूरा ये खाली है। और कुछ सामान रखना होगा तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। सो ये मैंने ऐसे अरेंज किया है। तो मम्मा आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेबी। गाइस मैं अभी चाय नाश्ता करके बैठी हूँ और यहाँ पे ना मैं ब्लॉग देख रही थी और वहाँ पे तनिष्का ने ना प्रॉपरली पूरा अरेंज कर दिया है। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरी तनिष्का और मेरी मिश्का मुझे दवाई खिलाकर ना मुझे बोला है मम्मा आप रेस्ट करो, हम काम कर लेंगे। और यहाँ पे मिश्का देखिए क्या कर रही है। सो तनिष्का आपको बताएगी। तो यहाँ पर मिश्का क्ले से खेल रही है। मिश्का आप क्ले से क्या बना रहे हो? डंडी को पूरे ऐसे फिल कर दिया। ये आपने मेरे ड्रॉअर में से निकाला है? हाँ। अच्छा ठीक है, टूटी हुई थी। ओके। और मैं अभी ना इसमें से जो बाकी सारा क्ले है मैं इसे अभी निकाल रही हूँ और इसी के अंदर अभी पूरा भर रही हूँ। ओके, तो आप मुझे क्यूट सा अच्छा सा कुछ बना के दिखाओ इस पर, ठीक है? ओके। ये गाइस देखो मेरा हाल देखो। मेरे बाल वाल कुछ सेट नहीं है, मैंने ऐसे अपने बाल कर रखे हैं। तो अभी मैं जल्दी से हेयर बैंड लगा लेती हूँ। अच्छी लग रही हो मैं, मेरे को अभी ढंग से आती नहीं है पर मैं कोशिश कर रही हूँ करने की। और अभी मिश्का यहाँ पे अपना खेल रही है, मम्मा वहाँ पे रेस्ट कर रही है और मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। और अभी मैं भी देखूँगी व्लॉग अपने। अभी थोड़ा सा ये कंबल मैसी सा हो रहा है तो मैं इसे क्लीन कर फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, सो फाइनली हम लोग नेक्स्ट डे भी यहाँ पे आ गए हैं टेरेस पर और हम लोग धूप सेक रहे हैं। यहाँ पे तनिष्का मिश्का ना तनिष्का बॉल खेल रही है, तनिष्का यहाँ पे अपने हुला हुल की प्रैक्टिस कर रही है और मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही हूँ गाइस अपनी चाय। मैं चाय ले आई हूँ टेरेस पर और चाय पी रही हूँ। और चाय पीते पीते ना हम लोग सन बाथ भी ले रहे हैं, बिकॉज दो दिन के बाद फिर आज हम लोग आए हैं टेरेस पर, क्योंकि यहाँ पे आने में ना गाइस मन ही नहीं करता है, कभी आना पड़ता है कभी नहीं आना पड़ता। और यहाँ पे गाइस देखिए तनिष्का ने कितना स्मार्टली लेग से कर रही है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और यहाँ पे मेरा एक ट्रैक सूट था गाइस वॉर्म वाला ना, वो थोड़ा गीला था तो मैं यहाँ ले आई हूँ कि इसको सुखा देती हूँ और चाय पीते हैं।
और हमारे पड़ोसी भी आ गए हैं यहाँ पे अपनी सब्जी लेके। ये यहीं पे मिलती है, कल आए थे? कल नहीं आए, नहीं आए। और गाइस यहाँ पे मैं मटर लेके आई हूँ छीलने के लिए, मैं मटर छीलूंगी अभी। मैंने कहा पहले चाय पी लूँ। हाँ बेटा, यहाँ पे गाइस देखिए, मैं ना कल शॉप करके लेके आई थी ये वॉर्म चप्पलें, और ये कितनी सुंदर लग रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी ये। और इनका ना डिज़ाइन मुझे इतना अच्छा लगा, एक ब्लू कलर में थी और एक दिस पीच कलर में है, तो मुझे पीच कलर ज़्यादा पसंद आया तो मैं ये ले आई हूँ। क्योंकि मेरी जो पुरानी चप्पलें थी ना, वो यहाँ पे ना मैंने ना धोकर सुखा दी थी, और ना हमारे यहाँ पे तो छत पे टाइल्स पे गेट लगा हुआ है, बट दूसरी छत से आकर और डॉगी आ गया और उसको ना सारी को काट के चला गया, नई की नई मेरी वॉर्म चप्पलें काट दी डॉगी ने। सो इसलिए मुझे ये नई वाली फिर खरीदनी पड़ी है। और यहाँ पे तनिष्का, ये सही बोल रही है गाइस। और यहाँ पे ना तनिष्का मिश्का गाइस देखिए क्या काम कर रही, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो गाइस कल ना मैं मटर ली, वैसे तो शफल मटर ही यूज़ करती हूँ, पर मेरे को कल मिल गई यहाँ पे अच्छे प्राइस में। तो देखिए यहाँ बैठ कर धूप में ना मटर छील लेंगे। तो तनिष्का मिश्का ने अभी अपना हुला हुल और ये बॉल रोक के कह रही है मम्मा आपकी हेल्प कराते हैं, तो ये दोनों मेरी हेल्प करा रही है। गाइस ये मेरी पट्टा मिर्च कितना बोलती है गाइस। दो दिन से ना इसके स्कूल खुले हुए हैं, पर ये स्कूल नहीं गई है बिकॉज ऑफ रीज़न कि कल रात को इसकी फिर तबीयत ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा खांसने लगी, और ये रात को 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक मतलब इसके परेशान। तो मैंने फिर इसके विक्स लगाई, फिर इसको दवाई पिलाई, और फिर थोड़ा सा इसने रिलैक्स किया तो हम लोग सोए। तो फिर मैंने कहा कि अभी सर्दी भी ज़्यादा है, 1-2 दिन स्किप करा लेते हैं क्लासेस। और मैसेज आ गया है मैम का, मैंने मैसेज कर दिया था, तो घर पे ही इसको मैं पढ़ाई कराऊंगी। और तनिष्का के भी कल से स्कूल खुल रहे हैं, तो तनिष्का भी जाएगी कल से ही, मैसेज आ गया है। गाइस मैं भी कल से स्कूल जाऊंगी, और मैं छुट्टियां बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं कल से स्कूल रोज जाऊंगी। रोज जाओगे ना? पक्का ना? अरे वाह। कह रही है गाइस आजकल ना 1-2 दिन ना व्लॉग लेट हो रहे हैं, कि रीजन ये है कि ना मेरे फ़ोन में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है गाइस, स्पेस की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि मैं व्लॉग शूट करती हूँ बट जब मैं गैलरी में सेव करती हूँ ना व्लॉग को, तो वो नहीं हो पा रहा है, और बार बार स्टोरेज स्पेस दिखा रहा है कि स्टोरेज स्पेस इतनी बढ़ गई है कि वो सेव नहीं हो पाता है। इसीलिए 1-2 दिन आने वाले, अगर 1-2 दिन में भी अगर आपको लगे कि व्लॉग नहीं आ रहा है, तो समझ लेना कि प्रॉब्लम है, क्योंकि फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कल भी दिखाया था, आज भी जाती हूँ मैं, कि पता नहीं क्या स्टोरेज स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से ना डिले हो रहे हैं 1-2 दिन ब्लॉग। सो अगर 1-2 दिन और गैप होगा तो समझ लेना कि फ़ोन में प्रॉब्लम है। सो फिलहाल मैं अभी इन दोनों के साथ में इनकी हेल्प करा लेती हूँ, वरना कहेगी मम्मा व्लॉगिंग में लगी हुई है, और ना हम लोगों को काम दे दिया है, क्योंकि इन दोनों को अभी वॉलीबॉल भी खेलनी है और इन लोगों को हुला हुल की भी प्रैक्टिस करनी है और योगा भी करना है ना गर्ल्स। यहाँ पे ना तनिष्का ने ना प्रैक्टिस कर ली है बहुत ही अच्छे, क्या बोलते हैं इसको, बॉटल फ्लिप की। और देखिए तनिष्का ना आपको करके दिखाने वाली है गाइस, बट तनिष्का ने जो प्रैक्टिस की है वो आपको गाइस आपको ना एक बार दिखाने वाली है कि इसने बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस की हुई है। और देखिए कैसे सर्कल के अंदर बैठी हुई है ये, और इसी सर्कल के अंदर ये करके दिखाने वाली है आपको बॉटल फ्लिप। गाइस देखिए 7 टाइम मैंने तनिष्का ने फ्लिप कर दिया, वेरी गुड, गुड वन। और गाइस यहाँ पे ना, और गाइस ये देखिए 2 टाइम्स में भी हो गया, वेल डन। चलिए मिश्का के पास चलते हैं और मिश्का से पूछते हैं, मिश्का ये आपने क्या बनाया है? क्या बनाई है? डॉल बनाई है, डॉल का घर बनाया ये। और गाइज यहाँ पे मिश्का अपने कामों में लगी हुई है, और ये देखिए तनिष्का ने, जब कैमरा ऑफ होता है ना गाइज तो ये बहुत अच्छे से कर देती है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना तो इसकी फ्लिप नहीं हो पाते है ना तनिष्का। हाँ, हुआ था
और गाइज यहाँ पे ना टेरेस पे इतनी अच्छी धूप निकली हुई है ना कि नीचे जाने का ना मन नहीं कर रहा है, पर धूप भी धीरे धीरे की जा रही है। और देखिए छत पे आधी पे तो धूप चली गई है, आधी पर है, और हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं। और मेरे ना ऑलमोस्ट कपड़े भी सूख गए हैं जो मैंने डाले थे, सो एक दो रील्स बनाते हैं उसके बाद नीचे चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे ना कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है निशानेबाजी का, और यहाँ पे मेरे धुरंधर दो मेरे निशानेबाज है, यहाँ पे निशानेबाज है, ये है मिस तनिष्का और ये है मिस मिश्का, से हाय। और आज आप क्या करतब दिखाने वाले हैं? वो जो डोर दिख रहा है आपको, हाँ जी, उसके ऊपर ये पत्थर फेंकेंगे जो ज्यादा फेंकेंगे। सो गाइस यहाँ पे खेल ये है कि इन दोनों के पास तीन तीन पत्थर हैं और तीन बार में देखते हैं वो डोर है इनका निशाना, और कौन डोर को टच करता है, किसका निशाना टच करता है डोर को, ये है आज का टास्क। तो चलिए स्टार्ट करें। सो ये लाइन में डाल रही हूँ, ये लाइन है निशाना, ठीक है, इधर से मिशो, इधर से बिना हमारी मिश्का गुस्सा हो गई है, ये कह रही है उसको यहाँ लाइन से नहीं करना, उसको आगे से करना है, तो उसकी लाइन आगे कर देती हूँ, ठीक है तनिष्का, थोड़ा सा अब दोनों जीतने के लिए गुस्सा हो गई है। करो स्टार्ट करो, पहले एक साथ नहीं मिशो, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से फेंक, हाँ इस वाले हाथ से जोर से, ये टच कर गया मिशु का। अब तनिष्का की बारी, ओ दूसरा, हाँ नहीं अभी एक और रहता है, हाँ चल कर तनिष्का, ओहो फॉल, ओहो ये थर्ड तनिष्का फाइनल, ये मिशु तेरा एक रहता है, तू एक कर जल्दी से डू, अब ये फाइनल राउंड है, इसमें मिश्का फेंकेंगे, मिशु जोर से, ओ चलो तनिष्का यू डू, नहीं ओ गुड वन, देखिए मिश्का का हर बार की तरह इस बार भी ड्रामा शुरू हो गया है, तनिष्का जीत गई है तो वो गुस्सा हो गई है। अबे हट, अच्छा चलो एक राउंड और करते हैं, उसमें ऊपर उछालना है, बॉल फेंक दिया, बॉल ताशु बॉल उठाओ, एक राउंड इन्हें और मिला है, इनको ना बॉल को ना किक करना, और देखे किसकी गेट के पास जाती है, सो गाइस यहाँ पे बारी आती है मिश्का की, मिश्का देखते हैं जोर से, अरे वाह वाह वाह, ये बॉल को टच कर लिया, और अब बारी है मेरी, ठीक है तनिष्का, सब बारी मेरी है, आप पीछे से करो, पीछे से ओके हाँ, चलो सो गाइस मैं एक बार में ट्राई करूंगी मारने के लिए, मिश्का देखिए मिशो दोबारा करो डिंग 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 दोबारा मिशो दोबारा वो आ रहा है गर्मी, डिंग मिशो कर है गर्मी चल ताशुकर हाँ गाइज मैं ना यहाँ पे ना सब्जी बना रही हूँ, खाने की ना प्रिपरेशन कर रही हूँ, और यहाँ पे ना पता है क्या हुआ, आप खुद ही देखिए क्या हुआ, गाइज मैं ना चुपचाप से ना कैमरा सेट कर रही हूँ, और सेट करके दिखाती हूँ मिश्का क्या करने वाली है, चोर 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 पकड़ लिया गाइज ये देखिए यहाँ पे ना मिठाई रखी हुई है, और मिश्का आई है चुपके से, और ये देखिए इसने मिठाई चुरा के खा ली है, और ये एक चोर नहीं गाइस, ये देखिए वो छुप रही, इसने इंस्ट्रक्शन दिए, तूने बोला ना दीदी को लेके आने के लिए, गाइस इन्होंने चार चार पीसेस खा लिए हैं ऑलरेडी, और इनकी नजर ना अब इस काजू कतली पर ही है, और ये पता नहीं सारी खा के ही चैन लोगे तुम दोनों, हाँ हाँ चोर नहीं मिठाई चोर हो तुम दोनों की दोनों घुस गई अपने अपने बिल में फिर
गाइज, आज किचन में बन रही है आलू, शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। मैंने तीनों को मिक्स करके सब्जी में तड़का लगा दिया है, सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं और अब मैं इसे ढक देती हूँ, थोड़ा मसाले में फ्राई हो जाएगी, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको पकाएंगे। और इधर दूध भी गर्म हो चुका है मेरा, और गाइज यहाँ पर मेरी चाय भी बनकर रेडी हो चुकी है, तो चलिए जल्दी से चाय पीते हैं, तब तक मेरी सब्जी रेडी हो जाएगी। हे गाइस, सो रात के ना बज चुके हैं 12 और सब लोग घर के ना सो चुके हैं, आराम से प्यारी प्यारी नींद ले रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ अब सोने के लिए। सो मैंने हाफ़ एडिटिंग ब्लॉग की कर ली है, हाफ मैं कल सुबह करूँगी ताकि टाइम से आपको व्लॉग मिल जाए। सो आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस, मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। Around, around.